नंदा देवी ईस्ट अभियान में लापता हुए विदेशी पर्वतारोहियों की तलाश में पिथौरागढ़ प्रशासन जुटा हुआ है। जिला प्रशासन ने मेडिकल सुविधाओं से लैस एक टीम मिलम के लिए रवाना कर दी है। इसके साथ ही मिलम में तैनात आईटीबीपी की टीम पर्वतारोहियों को ढूंढने के लिए नंदा देवी ईस्ट के लिए रवाना हो गई है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम द्वारा हेली ऑपरेशन चलाया जाना है, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है। आपको बता दें कि 3 देशों के 7 पर्वतारोही एक भारतीय गाइड के साथ नंदा देवी ईस्ट पर चढ़े थे। कुल मिलाकर 8 लोग हैं, मगर अब उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। लापता पर्वतारोहियों में 4 ब्रिटेन के, 2 अमेरिका के और 1 ऑस्ट्रेलिया का है, जबकि टीम के लाइजनिंग ऑफिसर चेतन शर्मा भारतीय नागरिक हैं। लापता पर्वतारोहियों में दुनिया के जाने माने पर्वतारोही मार्टिन मोरन भी शामिल हैं। लापता पर्वतारोहियों की तलाश के लिए पिथौरागढ़ प्रशासन ने चमोली और रुद्रपुर प्रशासन से भी मदद मांगी है। आपदा प्रबंधन विभाग से और एसडीआरएफ विभाग से हमने एसडीआरएफ की जो प्रभारी उनसे बात करकर एक एरियल सर्वे करने का भी निर्णय लिया था, और उसमें जो है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है एक हेलीकॉप्टर विद एसडीआरएफ एविस्टर्स जो है देहरादून में उन्होंने अपना तैयारी कर लिया था, और 11:30-11 बजे के बीच में उन्होंने टेकऑफ भी किया। लेकिन मिलम क्षेत्र में और मुंशारी क्षेत्र में खराब मौसम के चलते जो है इन्होंने अपना जो यात्रा था इसको रोककर वापस ही अभी वहाँ पे आ गए हैं, और शाम तक ये वहीं पे स्टेशन रहेंगे। दोबारा से इसमें जो है सर्च के लिए टेकऑफ करेंगे जैसे ही वेदर ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि वहाँ से भी एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो है ये जो हमारा नंदा देवी पीक है इसकी तरफ वो रवाना कर देंगे, ताकि जो भी वहाँ उस तरफ क्षेत्र में अगर कोई उनका जानकारी प्राप्त होता है तो वो भी हमसे साझा करेंगे। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जनपद से हम बात कर रहे हैं कि वहाँ से सिरसी से अगर कोई हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करके इनका एक एरियल सर्वे कर लेता है तो उससे भी हमको इनका लोकेशन ट्रेस करने में आसानी होगी। बाकी इनके जो परिवारजन है या फिर जो संस्था है इनके हम संपर्क में है, जो भी जानकारी उनको प्राप्त हो रही है और हमको प्राप्त हो रही है उनको अपडेट भी कर रहे हैं। लाइव उत्तराखंड के लिए पिथौरागढ़ से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट।